सेलिब्रेट आज फीडा फाउंडेशन का मुझे बहुत लोग फ़ोन करके बोला इसका कैंप टाइमिंग और इसका फीड टाइमिंग और बेल टाइमिंग बोल देना, उसको एक बार करके बताइए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मशीन में प्रॉब्लम भी था, इसीलिए मैं आपको ये देना चाहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो में हम यही देखेंगे कि फीड टाइमिंग और कैम टाइमिंग कैसे रखा जाता है और किस स्लॉट पे बैठाया जाता है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से। चलिए फ्रेंड, वीडियो में चलते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा फीड टाइमिंग और नीडल बार टाइमिंग देखिए टोटली आउट हो गया है। तो इसी का ही आज हम डायग्नोस करेंगे और इसी का ही हम टाइमिंग का काम हम आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, आप पहले देख सकते हैं ये कैसा टाइमिंग बनाया हुआ है। हमारे पास ये मशीन यही दिक्कत के वजह से हमारे पास आया हुआ है। तो कैसे भी रहने दो, हमको तो इसको रेडी करना है। तो ये मैं करके दिखाऊंगा फ्रेंड, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसका अभी हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, फिर से मैं दिखा रहा हूँ इसका लूपर टाइमिंग, देख लीजिएगा क्या हालत हो गया है इसमें। इसमें खाली बेल्ट टाइमिंग ही नहीं होता है, कैम टाइमिंग भी होता है। अगर एक स्लॉट भी अगर आपने गलत बैठा दिया तो बहुत दिक्कत होएगा। तो चलिए, इसी का ही टाइमिंग मैं कर रहा हूँ, देख लीजिएगा आप। पहले मैं एक स्क्रू ओपन कर ले रहा हूँ, देखेंगे ये किस स्लॉट में बैठा हुआ है। तो ये स्क्रू निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसके एक चिमटे की मदद से मैं निकाल लूँगा। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट जो स्लॉट आता है और ये स्क्रू भी फर्स्ट वाला आता है, उसी में आपको ये स्लॉट को बैठाना है। तो मैं आपको दिखा दिया हूँ स्लॉट, पहले हम इसको स्क्रू डाल के ले लेंगे, हल्का सा टाइट करेंगे पहले। तो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये सेकंड है, लेकिन दिखने में हमको पहला लगता है, लेकिन ये फर्स्ट वाला है। ये सेकंड है लेकिन दिखने में हमको फर्स्ट लगता है। अभी हम इसको भी स्क्रू डाल के ले लेंगे फ्रेंड। बस इसका इतना ही टाइमिंग था इसका। आप फर्स्ट जो मैं बोला हूँ फर्स्ट वाले में बिठाइए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप सेकेंड वाला भी आप अपना ध्यान से रख सकते हैं। उसके बाद ये हम फीड टाइमिंग का भी ले लेंगे। इसमें दो स्लॉट आता है फ्रेंड, तो एक स्लॉट देख लेंगे हम लोग बैठा है नहीं बैठा है। देखिए किसी ने बैठाया है एक स्लॉट पे, लेकिन वो दो स्लॉट पे बैठ गया है, तो हम ये स्लॉट में बैठाएंगे, ऑपोजिट स्लॉट में बैठाएंगे। उसके बाद मैं आपको ये देखिए फ्रेंड, इधर भी खोल के बता दूंगा। और उसके बाद देखिए, पहले हम लोग वो स्लॉट में, पहले वाला स्लॉट में बैठाया है।
तो ये स्लॉट में भी मैं आपको बता दूंगा इसमें बैठा है नहीं बैठा है। देखिए फ्रेंड बैठा हुआ है, ये देखिए अभी आपको दिख रहा होगा। तो पहले वाले में हम लोग स्लॉट में बिठाया और सेकंड वाले में भी स्लॉट में बिठाया। इसमें तीन स्क्रू आता है, फर्स्ट एंड लास्ट स्क्रू में बैठाना पड़ता है, सेंटर का आप छोड़ दीजिएगा। तो इसको टाइट करके मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइमिंग हुआ है नहीं हुआ है, फिट टाइमिंग जो बोल रहा हूँ वो हुआ है नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड हम अभी देखेंगे, आप नीडल को मत देखिएगा, खाली फीड डा को देखिएगा। ये टाइमिंग देखिए एक्यूरेट आ रहा है। तो इसके बाद हम बेल्ट टाइमिंग दिखाएंगे फ्रेंड आपको। 3 mm एल यालंकी से हम ये यालंकी स्क्रू लूज करके ले लेंगे फ्रेंड। उसके बाद देखिए मैं आपको करके बताऊंगा कि ये फिट टाइमिंग और लूपर टाइमिंग कैसे सेट किया जाता है नीडल बार का पोजीशन से। कैम टाइमिंग तो बिठा लिया है, फिट डार्क टाइमिंग कर लिया है, तो अभी हम नीडल बार एंड लूपर कैचिंग टाइम अभी मैं रख रहा हूँ। तो अभी मैं ये फिट डार्क खोल के भी मैं बता दूँगा, इसका पहले भी मैं वीडियो बनाया हूँ फ्रेंड, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं अभी भी एक्यूरेट नहीं है लेकिन आ जाएगा। देखिए फ्रेंड फीडबैक को पहले देख लीजिएगा आप, उसके बाद मैं खोल के आपको लूपर टाइमिंग भी बता दूंगा। ये देखिए तो मैं अभी फीडबैक का तो बता दिया हूँ, अभी लूपर कैचिंग टाइप बताऊँगा मैं। ये देखिए फ्रेंड जो भी कैचिंग टाइमिंग का एक छोटा सा कैम आता है, 2 mm का एलंकी लगा हुआ रहता है, मैं वो कैम भी आपको बताऊँगा। वो टाइमिंग आउट हो गया है फ्रेंड, तो उसी का भी मैं आपको वीडियो करके बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड आई टू आई मैच तो हो रहा है, जब भी उतरने का टाइम आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए वो कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन जब भी ये मोमेंटम होता है जो उसको फ्रंट बैक बोलते हैं, वो मोमेंटम का कैम टाइमिंग आउट हो गया है। तो यही मैं कैम दिखाऊंगा मैं आपको, ये हो गया है और ये देखिए मैं रख लिया हूँ। ये देखिए ये यालंकी और ये यालंकी स्लॉट आप स्ट्राइट में रख लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं ये मोमेंटम कैसा आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड मैं बहुत इजी वे में आपको बता के देने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड पहले क्या हो रहा था, जो नीडल को जब भी वो कैचिंग पोजीशन आता था, आई टू आई तो मैच हो रहा है लेकिन कैचिंग पोजीशन के टाइम क्या हो रहा था, लूपर आके नीडल का फ्रंट साइड आ जा रहा था, वो बैक साइड पुश करने का वो कैम टाइमिंग है, उसमें कोई स्लॉट नहीं रहता है, ये अपने से ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको इजी वे में बता दिया हूँ कि फ्रंट एलंकी और साइड एलंकी दोनों भी एक्यूरेट रख लीजिएगा आप। ये देखिए आई टू आई कैचेस हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड मैं दो नीडल डाल के भी बता रहा हूँ आपको। ये देखिए नीडल डाउन पोजीशन आई टू आई मैच हो रहा है। बस देखिए फ्रेंड देखिए मैं फिंगर रख के बता रहा हूँ,
ये देखिए फ्रेंड, ये मैं सेम रख लिया हूँ, देख लीजिएगा। और ये यालंकी 3 mm और ये 2 mm, ये भी एकोरेट रख लिया हूँ। ये इस वॉल पे दिखना चाहिए और ये इस वॉल पे दिखना चाहिए। तो हमारा ये लूपर टाइमिंग कैम एंड फिट टाइमिंग का आ जाएगा। उसके बाद आप बेल्ट टाइमिंग कर लीजिएगा स्लो फास्ट, तो आपका ये स्किप टिच जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ये एकदम सॉल्व हो जाएगा मेरे फ्रेंड। बस फ्रेंड देखिए आप कैसा कैच हो रहा है। देखिए अब मैं आपको टिचिंग करके भी बता दूंगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, लाइव प्रूफ दिखाता हूँ फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड अभी हम टिचिंग थ्रेड डाल के टिचिंग भी दे दिया है, तो आप देख सकते हैं टिचिंग बहुत एक्यूरेट आ रहा है। उसके बाद हम ये फिल्ट करके भी दिखा देंगे आपको। थोड़े लोग बोलेंगे जॉइंट में टाका आता है, स्किप टिच बोलते हैं उसको, हमारे देसी भाषा में टाका बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और फ्रेंड मैं एक बात बोलना भूल गया था, इसका एक थ्रेड कैचिंग कैम भी आता है, तो उसका भी हम टाइमिंग करके बताएंगे। देखिए फ्रेंड नीडल बार जब भी अपर पोजीशन में आके एक बार रुक जाता है, ये देखिए अपर पोजीशन में आके ये रुक जाता है, तो फ्रेंड ये देखिए, तो ये कैम ये पोजीशन में रहना चाहिए। फ्रेंड देख लीजिएगा आप, ये पोजीशन में आप रख के 2 mm यालंकी को टाइट करके आप टिचिंग सीख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपने देखा कि मैंने ये पूरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। आपका सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहूं। ठीक है फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा और बाय फ्रेंड, नमस्ते।